सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो व्यस्त हो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि आजकल हूँ जी मैं रूम में अकेले। तो भाई जा चुका है जी, वो आजकल घर गया हुआ है, तो मैं हूँ जी अकेले। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी मेरे 9 बजे से। तो मैंने बनाना है जी अभी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आलू कर दिए हैं जी, यहाँ पर पका दिए हैं। तो जैसे आज संडे है, तो संडे के दिन आपको पता है कि संडे के दिन ज्यादातर परांठे ही बनते हैं। चलो जी, इधर हो रही है जी स्टफिंग तैयार। तो इसमें थोड़ी सी तो मैं हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी, नमक थोड़ा ज्यादा सा रखूंगी और साथ साथ डालूंगी जी थोड़ी हल्दी, सॉरी ये तो धनिया है। चलो तो चलो जी, इधर स्टफिंग भी हो चुकी है जी तैयार। तो अब करते हैं जी परांठे बनाने की तैयारी शुरू। तो अब लेते हैं जी घी, तो घी वाले परांठे एकदम बढ़िया रहते हैं, मस्त। चलो जी, इधर घी भी हो चुका है जी गरम, तो इसको रखते हैं जी हम यहाँ पर। तो अब बनाते हैं जी जल्दी जल्दी परांठे। तो चलो जी, तो देखे जी दोस्तों, इधर मौसम की बात की जाए तो मौसम है जी आज एकदम से साफ, तो बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। तो आजकल ना दिन को बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो चलो जी, अब इधर मैंने चाय भी लगा दी है। तो चलो जी, इधर निकल चुका है जी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट खाएंगे जी हम यहाँ पे नीचे बैठ के। तो चलो जी बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ जितनी मेहनत करी हुई है बनाने में, भाई खाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है, पर ये होता है। आप सभी के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आप जैसे रूम में अकेले होते हो या घर में कभी अकेले होते हैं? जैसे आदत तो नहीं होती हमारे को अकेले रहने की, जैसे मेरे साथ यहाँ पे जैसे भाई रहता है तो घर में तो पूरी फैमिली होती है, तो ऐसे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो ज्यादातर मेरे साथ तो यही होता है, तो मेरी तो भूख ही बंद हो जाती है कुछ दिनों के लिए। भूख तो 2-3 दिन हो चुके हैं जी भाई को भी घर जाते हुए, तो वो ही खाना पड़ता है जिस चीज का मन होता है खाने का। अगर कुछ ऐसी खा देना जो हमारे को पसंद भी ना हो या उस तरह, तब तो ऐसे होता है। जब तक थोड़ी आदत नहीं पड़ी हमारे को तब तक ऐसा ही होता है। तो चलो जी, अब कर देते हम भी शुरू। तो परांठे के साथ खाऊंगी जी मैं, अचार तो है नहीं, तो मेयोनीज के साथ ही खाऊंगी परांठों को।
तो यहाँ पर लगा दिया है जी मैंने नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो इधर बाहर मौसम की बात की जाए तो देखे जी अभी के लिए तो आसमान में अब बादल भी आ चुके हैं। तो देखे जी अभी इधर से धूप तो जा चुकी है। तो सामने है जी मंदिर, तो आज है जी मंदिर में भंडारा। तो देखे जी ये माइक भी वहीं पर ही लगा हुआ है। और तो देखे जी ये वाली कंबल धो के रखी हुई थी जी मैंने कल की, तो ये भी अच्छे से सूख चुकी है। तो इधर देखे जी इधर कृतिका ने भी इधर कपड़े बाहर निकाल के रखे हुए हैं। तो सामने मिले जी बसंती से, तो बसंती भी आई हुई है जी। तो देखे जी अभी इसने यहाँ पर थोड़ी छाया है, टंकी की छाया यहाँ के लिए पड़ रही है। तो बसंती ने बढ़िया से नींद निकाली हुई है। अभी बसंती को कुछ अता पता नहीं है दोस्तों। तो देखे जी अब तो इधर को भी धूप खिल चुकी है। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं जी आज मॉल की ओर। तो हमारे मन्नत जी है जी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन, बहुत ज्यादा। तो हम मन्नत को लेके जा रहे हैं, मतलब मन्नत को कंपनी देने जा रहे हैं हम मन्नत के साथ। तो वहाँ आज किस किस का मैच है? आज है केकेआर वर्सेस राजस्थान। तो आप किसके साथ हो वैसे? हम हैं राजस्थान के साथ। हमें राजस्थान है हमारी नंबर वन टीम, और जो हमारी दूसरी टीम है वो है हैदराबाद, जो अभी पहुंच जाएगी। हाँ तो हम जा रहे हैं जी वहाँ। वहाँ लगे हुए हैं जी, क्या लगे हुआ? फैन पार्क। हाँ आईपीएल के फैन पार्क। तो हम जा रहे हैं दोस्तों, आपको भी लेकर चलते हैं। यहाँ थोड़ा रास्ता बहुत घटिया है चलने के लिए, तो एक एक को ही निकलना पड़ रहा है। तो हमारे साथ है जी पीछे देखे जी कृति जी। तो कृति नमस्कार दोस्तों, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं क्या बोला, खाया तो बहुत कुछ था फिर से भूख लगती है। तो चलो हम आपको भी दिखाते हैं क्रिकेट। इधर देखिए जी हमारी मन्नत जी हो रही है पागल। देखिए गाइस कौन जीते? हैदराबाद जीत चुकी है और ये नंबर दो पे आ गई है पॉइंट्स टेबल में। कहाँ जीत भी गई? हाँ रंगो भरे सुबह मेरी मस्ती में डोली है मेरी शाम। छोटी कहानी सच्ची लगे और की मुझे अच्छी लगे, लम्बे सुनाना सबको नचाना बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, गले पर जोरदार तालियों। इनके साथ साथ वो पीछे दो भाई साहब है, इनके गले पे वो इस गले पे भी डांस कर रहे थे। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा अभी हम कुछ क्विज करने जा रहे हैं। आईपीएल सभी देखते हैं। ओके आईपीएल में पर्पल कैप क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? हाईएस्ट विकेट टेकर को, सही है? सही है, मेक सम नॉइस, सही आंसर है। यू विल गेट योर गिव अवे फ्रॉम हिम। अच्छा एक और कैप दी जाती है, क्यों दी जाती है? मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला इसके, वो ऑरेंज कैप पे दी जाती है ना, इसलिए। ओके आईपीएल कब स्टार्ट हुआ है? बोल दे हेलो। ओके आईपीएल का आई गिव यू द आंसर, तो सही जो है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे आंसर दोगे तो कैसे जब दूंगा। ओके वन मोर, आईपीएल को 2024 में
कितने सीजन हो चुके हैं आईपीएल के? कितने सीजन हो चुके हैं मैच में? आईपीएल के कितने सीजन हो चुके हैं? तो दोस्तों मैच तो नहीं हो रहा है, हम आए हो रही टाइम वेस्ट करने, अभी जा रहे हैं जब नीचे, तो हम बहुत टाइम पहले से वेट कर रहे हैं कि कब से मैच शुरू हो जाए, पर मैच शुरू ही नहीं हो रहा है। तो हम हो चुके हैं जी यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर, तो लोग भी बहुत आए हुए हैं, अब जा रहे हैं जब नीचे बोलने में। तो अभी हम नाच के बताएंगे जनता के सामने होगा डांस, तो अभी ये करेगी जी कृति यहाँ पर डांस, तो देखते हैं कृति किस तरह का डांस करते हैं, क्योंकि मैच तो दिखा रहे हैं जी यहाँ पर कल वाला, तो कुछ तो आया करना, तो कृति करेगी जी यहाँ पर डांस। तो भाई यहाँ पे तो लाइन में बहुत लोग लग चुके हैं, तो ये गई जी कृति, तो अब देखते हैं कृति किस तरह का डांस करते हैं। ये चला जी पहाड़ी डांस, चक्कर आ रहे थे मुझे इसमें। ये था कृति का पहाड़ी डांस, मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या किया, मेरे को सिर में मैं गिर जाऊंगी नीचे। मुकाबला हो ताकि दो अंक मिले, क्योंकि अगर एक अंक मिलते हैं तो फिर नुकसान में आएंगे, नंबर दो से हिल जाएंगे। तो दोस्तों उधर लग चुकी है जी बारिश, इसका मतलब मैच नहीं होने वाले हैं। अगर राजस्थान तीसरी पोजीशन में रह जाती है तो फिर एलिमिनेटर वो मुकाबला जो हारा हो गया था, जो टीम जीतेगी उसे फिर क्वालिफायर को खेलना पड़ेगा और फिर जीत के आप पहुंचेंगे फाइनल में। तो फाइनल की मन्नत के सपनों में कठिन हो जाती है और राजस्थान रॉयल्स को। तो देखे जी तो दोस्तों मैच तो हुआ नहीं, इधर पड़ चुकी है जी खाने की टेंशन, क्योंकि क्या बनाए कुछ भी बना के नहीं आए हैं, आए तो मैच देखने। मैं चीनी लाया, हमारा बन चुका है जी पोपट, तो चलो जी दोस्तों मेरी एंट्री भी हो चुकी है जी रूम में। उफ भाई मैच तो कुछ हुआ नहीं और आज किया जी मैंने टाइम वेस्ट, तो सबसे पहले पीते हैं जी पानी, उफ क्योंकि हम थक चुके हैं जी बहुत ज्यादा। और अभी है जी सबसे पहले तो कुछ बनाना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया था, तो सबसे पहले पानी ही पी लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं जी मैं बनाऊंगी जी अभी मैगी, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब कि मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है बनाने की, क्योंकि टाइम बताते हो दोस्तों 10:35, अगर मैं कुछ और बनाऊंगी तो 11 तो बज जाएंगे, तो इसीलिए हम बनाएंगे जी मैगी। मैगी के साथ साथ हम दूध भी पी लेंगे, दूध भी लेके आई हूँ और साथ लेके आई हूँ जी मैगी। सबसे पहले तो पानी, तो गाइस अब मैं मैगी तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ जी अभी कृति के रूम, तो मुझे बुलाया हुआ है जी अभी खाना खाने वहाँ पर, तो अब चलते हैं जी। थोड़ा इधर रूम को खोल के रखती हूँ ताकि थोड़ा रूम थोड़ा ठंडा हो। तो देखिए जी इधर हैंड वॉश किए जा रहे हैं, वाह गुड, तो इधर अभी बन रहा है जी आज एक कुकर में चावल, दूसरे में चढ़ाई हुई जी दाल। तो दोस्तों इधर निकल चुका है जी खाना, तो खाने में है जी मलका की दाल और चावल, सबसे जल्दी बनाने वाली रेसिपी खाना सही में। आखिरकार हमारा खाना थोड़ा जल्दी बन चुका है 11 बजे, तो जी 11:30 बजे। तो चलो जी दोस्तों मैं भी पहुंच चुकी हूँ जी अपने रूम में, तो
तो चलो जी इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड, और मिलते हैं जी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय गाइस।